आज के दौर में शायद ही ऐसा दिन जाता हो कि महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ और बलात्कार की खबरें अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियां न बनती हो। गांव हो या शहर, ऐसी वारदातें आए दिन घटती रहती है। सरकार ने भी इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा एक चुनौती बन गई है। घर हो या बाहर, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिलाओं की रक्षा करने और विशेष रूप से उनके प्रति अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए अब एक नया सुझाव और पथक तैयार किया गया है, जो हर जिले में 2400 घंटे सक्रिय होगा। जी हाँ, उस पथक का नाम है दामिनी पथक। दामिनी इस नाम ने पूरे देश को हिला दिया था। इस पथक का नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाए कि महिला अकेली और असहाय नहीं है, जिसे अपराधी महिलाओं के साथ छेड़खानी करने से कतराए। इसलिए इस नाम ने इस पथक में ऊर्जा भर दी है। इस पथक में दो मोटरसाइकिल पर दो दो महिला पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही एक चौपहिया वाहन भी होगी, जिसमें एक महिला पुलिस अफसर, दो महिला पुलिस कर्मचारी, एक पुरुष पुलिस कर्मचारी और ड्राइवर मौजूद रहेंगे। इन मोटरसाइकिलों को संपूर्ण सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें वॉकी टॉकी, जीपीएस, फर्स्ट एड बॉक्स, सायरन, अन्य सुविधाएं रहेगी। इसके अलावा चौपहिया दामिनी पथक भी सारी उपयुक्त सुविधाओं से लैस होगी। यह पथक 2400 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहेगा। जो स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस, बस स्टैंड, रिहायशी इलाकों में गश्त लगाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं और युवतियों से पूछताछ भी करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं। और साथ ही यह पथक उन भागों में भी सक्रिय होगा जहां कोई आता जाता नहीं है, यानी कि सुनसान इलाकों में। अमूमन ऐसी जगहों पर प्रेमी युगल मिलने जाते हैं, वहां कोई अनहोनी ना हो, इसलिए दामिनी पथक ऐसे इलाकों में भी सक्रिय होगा। इस तरह के पुख्ता इंतजाम के चलते युवती और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने की जद्दोजहद की जा रही है। बहरहाल, महिला सुरक्षा के इंतजाम वाकई कारगर साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान ने मीडिया कर्मी को जानकारी दी। प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दामिनी पथक सुरू करण्याबाबत माननीय पोलीस महासंचालकांनी निर्देश दिलेले आहेत। यापूर्वीही ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने कार्यरत होते, जसं आपल्याकडे महिला सुरक्षा पथक म्हणून होतं, तर आता ते दामिनी पथक अशा पद्धतीनं कार्यरत राहणार आहे। त्याच्यासाठी आपण दोन मोटरसायकल आणि एक फोर व्हीलर आता शहरामध्ये सुरू करत आहोत। तर त्या दोन मोटरसायकलवरती दोन दोन महिला कर्मचारी असतील आणि त्या सुसज्ज मोटरसायकल असतील, ज्याच्यामध्ये GPS आहे, वॉकी टॉकी आहे, सायरन आहे, बॅटन, फर्स्ट एड, अशा पद्धतीने सुसज्ज अशा मोटरसायकलसह त्या दोन कर्मचारी त्याच्यावरती राहतील आहे। आणि एक फोर व्हीलरवरती एक महिला अधिकारी, दोन महिला कर्मचारी, एक पुरुष कर्मचारी आणि ड्रायव्हर असा स्टाफ राहिला आहे। बेसिकली यांचा जॉब असा राहिला आहे, ते पूर्ण दिवसभर कॉलेजेस, गर्दीची ठिकाणं, बस स्टँड अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी भेट देतील, शाळांना भेट देतील, कॉलनीजना भेट देतील आणि तिथं विशेषतः महिलांना विचारपूस करतील की त्यांना काही अडचण आहे का किंवा त्यांना कोणाकडून त्रास आहे का। उदाहरणार्थ टीजिंग आहे, काही ठिकाणी ट्युशन क्लासेस आहेत, त्याच्या बाहेर सुद्धा त्यांना व्हिजिट द्यायला मी सांगितलं आहे। मग त्या ठिकाणी काही मुलं टवाळख्या करत बसलेले असतील समजा, किंवा अशा पद्धतीने असेल, त्यांनाही विचारपूस केली जाईल की त्यांचा तिथं थांबण्याचा पर्पज काय। अशा पद्धतीनं मुलींना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, हॅरॅसमेंट होऊ नये, यू टीजिंगचा प्रकार होऊ नये, याच्यासाठी या पथकाची मुख्य जबाबदारी आहे। डेफिनेटली निर्जन स्थळी सुद्धा त्यांचं पेट्रोलिंग होईल आहे। आपल्याकडे घंटा चौकी आहे किंवा अशी काही ठिकाणं आहेत की ज्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा निर्जन स्थळं आहेत आणि त्याच्या ठिकाणी काही प्रेमी युगल सुद्धा जातात आणि मग काहीतरी चुकीचा प्रसंग होऊ नये, त्या दृष्टीनं तिथेही पेट्रोलिंग करायची प्रोव्हिजन आहे याच्यामध्ये।